नमस्कार, मैं हूं मनन गोस्वामी। आप देख रहे हैं अपना लाइव डॉट न्यूज। फटाफट खबरों में बहुत बहुत स्वागत है। आज सुबह की सबसे ताजा और महत्वपूर्ण खबरें। पहली खबर की सरकारी अस्पतालों में अब नॉर्मल डिलीवरी नहीं कराएंगे डॉक्टर, अब इसकी जिम्मेदारी मिडवाइफ के कंधों पर होगी। देश में हो रहे चिकित्सकों की कमी के चलते बड़ी संख्या में माताओं और नवजातों की मौत को देखते हुए सरकार ने यह फैसला लिया है। प्रेगनेंसी के जटिल मामलों को ही अब गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर जो हैं देख पाएंगे, रेफर किया जाएगा उनके पास। दूसरी बहुत ही महत्वपूर्ण खबर, अब इंश्योरेंस क्लेम लेने में नहीं आएगी परेशानी। पॉलिसी बाजार ने लॉन्च किया नया फीचर। भारत में बीमा उत्पादनों में सुविधा देने वाले सबसे बड़े पॉलिसी बाजार .com ने क्लेम के दौरान निश्चित कैशलेस सेटलमेंट हेतु अपने ग्राहकों की मदद करने के लिए एक एक्सक्लूसिव कैशलेस इंश्योरेंस फीचर लॉन्च किया है, जिसके तहत इस नए फीचर के जरिए पॉलिसी बाजार .com अपने ग्राहकों को देश भर के क्लेम को कुछ ही घंटों के अंदर कैशलेस मंजूरी के विकल्प की सुविधा प्रदान करेगी। तीसरी महत्वपूर्ण खबर, RBI ने दिशा निर्देश जारी करते हुए नए सर्कुलर में IDBI बैंक की कैटेगरी को बदल दी है। अब वह सरकारी नहीं बल्कि प्राइवेट बैंक हो जाएगा। इसका मुख्य कारण है कि IDBI बैंक में भारतीय जीवन बीमा निगम का मालिकाना हक है। हालांकि भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण ने भारतीय जीवन बीमा निगम से IDBI बैंक में अपनी हिस्सेदारी घटाने के लिए प्रस्ताव मांगा है। अगली बड़ी खबर, सरकार ने कंपनियों की सामाजिक, पर्यावरणीय एवं आर्थिक जवाबदेही पर राष्ट्रीय स्वैच्छिक दिशा निर्देश 2011 में संशोधन करते हुए उनके जिम्मेदारी को कारोबार संचालन के लिए नई राष्ट्रीय दिशा निर्देश जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि कंपनियों को अपने सभी कर्मचारियों का सम्मान करने के साथ ही उनके हित को ध्यान रखने की सलाह दी गई है। अगली सबसे महत्वपूर्ण खबर, चाइना ने भारत के सबसे बड़े दुश्मन जैसे मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर को बचाने के लिए वीटो पावर का इस्तेमाल किया है। सुरक्षा परिषद से भारत ने मसूद अजहर को वैश्विक आतंकी घोषित करने की मांग की थी, जिसमें सुरक्षा परिषद के 5 सदस्यों में से 4 सदस्य ने, जैसे अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, रशिया, मसूद अजहर को वैश्विक आतंकी घोषित करने का समर्थन किया है। लेकिन चाइना ने वीटो पावर का इस्तेमाल कर इसका विरोध किया है, जिसके बाद एक बार फिर मसूद अजहर वैश्विक आतंकी घोषित होने से बच निकला है। आगे आपको हम बता दें कि वीटो पावर आखिर में है क्या। दोस्तों, वीटो पावर लैटिन भाषा का एक शब्द है, जिसका मतलब होता है कि मैं अनुमति नहीं देता। प्राचीन रोम में कुछ अधिकारियों के पास यह पावर होती थी। वह इन शक्ति का इस्तेमाल करके रोम सरकार की किसी कार्रवाई को रोक देते थे। यह तभी से किसी चीज़ को करने से रोकने की शक्ति के लिए इस्तेमाल होने लगा। इसके बाद भारत चाइना से बहुत बड़ी मात्रा में उत्पादनों का आयात करता है, जिससे चाइना को बहुत बड़ी आर्थिक मदद मिलती है। अब देखना है कि भारत चाइना के साथ व्यापार बंद करता है या चालू रखता है। आप अपना सलाह सुझाव हमें जरूर देंगे। भारत से लगभग 6 लाख करोड़ रुपया प्रति वर्ष चाइना जाता है। इससे देशवासी को भी सबक लेते हुए चाइनीज सामानों का उपभोग बंद कर देना चाहिए, जो देश हित में ज़्यादा उचित होगा। दोस्तों, अगली बड़ी खबर, देश के 7 करोड़ व्यापारियों के व्यापार को ई कॉमर्स बाजार में अपनी दुकान खोलने को प्रेरित करने के लिए व्यापारियों के संगठन फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स एक देशव्यापी अभियान चलाने की घोषणा की है। इसमें जुड़ने के लिए देश के सभी महत्वपूर्ण एवं बड़ी कंपनियों को खुला निमंत्रण दिया गया है। अगली बड़ी खबर, 1 अप्रैल से ट्रेन टिकट के PNR में होने वाला बड़ा बदलाव, इससे यात्रियों को होगा बड़ा फायदा। IRCTC ने 1 अप्रैल से PNR लिंकिंग फार्मूला लागू करने जा रहा है। अब एयरलाइंस की तरह रेलवे में भी एक ही यात्रा के दौरान
एक के बाद दूसरी ट्रेनों से सफर करने की स्थिति में संयुक्त पैसेंजर नेम रिकॉर्ड जारी करेगा। इस नए नियम के बाद यात्रियों को पहली ट्रेन के देर होने की वजह से अगली ट्रेन के छूट जाने पर बिना किसी चार्ज के आगे की यात्रा रद्द करने की इजाजत देगा। यह नियम सभी क्लास पर लागू होगा। दोस्तों अगली बड़ी खबर, सरकारी कंपनियों ने दे रही है सिर्फ 100 में गोल्ड सेविंग अकाउंट खोलने का मौका। 24 घंटे 700 दिन कर सकेंगे सोने की खरीदारी। इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए ग्रामीण इलाके के लोग कॉमन सर्विस सेंटर की मदद से खोल सकते हैं गोल्ड सेविंग अकाउंट। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जब आपका दिल चाहे, जब आपकी मर्जी हो, खरीदेंगे सोना और बेचेंगे, जब चाहे पैसा आप वापस ले सकते हैं, या चाहे तो बच्चों को तोहफा देने के लिए फिजिकल रूप में भी सोना ले सकते हैं। इसमें एक और खासियत है कि आपको इस बात की बंदिश नहीं होगी कि आप हर महीने या हर दिन या हर साल सोने की खरीदारी करना होगा। अगली बहुत ही महत्वपूर्ण खबर, फरवरी महीने में बीमा धारकों ने कंपनियों को हर एक सेकंड में दिया 7 लाख रुपया का प्रीमियम। इससे इस महीने में बीमा कंपनियों के प्रीमियम कलेक्शन में 7% की बढ़ोतरी हुई है। प्रीमियम के तौर पर कंपनियों ने लोगों से लगभग 177 लाख करोड़ रुपए वसूल किए हैं, जिसमें भारतीय जीवन बीमा निगम 66% बढ़ोतरी के साथ टॉप रही है। दोस्तों अगली बड़ी खबर, 31 मार्च 2019 तक सरकार बांटेगी 1 लाख करोड़ की लोन। मोदी सरकार के महत्वपूर्ण स्कीम में एक है मुद्रा योजना। इस योजना के तहत बैंक 10 लाख तक का लोन देती है। अब इस स्कीम के तहत सरकार लगभग 8 लाख लोगों को लोन दे चुकी है। बजट 2018-19 में सरकार ने इसका लगभग 3 लाख करोड़ लोन देने का टारगेट रखा है, लेकिन रिपोर्ट के अनुसार फरवरी के अंत तक केवल 2 लाख करोड़ का ही लोन दिया जा सका है। इसलिए बैंकों के समक्ष मार्च माह में 1 लाख करोड़ लोन देने का टारगेट है। ऐसे में अगर आप बिजनेस के लिए लोन लेना चाहते हैं तो 31 मार्च तक अपने बैंक की नज़दीकी बैंकर से संपर्क करें। अगली बड़ी खबर, पेटीएम ने लॉन्च की मोबाइल बैंकिंग पेमेंट बैंक। यूजर्स को मिलेंगे फायदे। पेटीएम पेमेंट बैंक की ऐप को यूजर्स एंड्रॉयड प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके साथ जो पेटीएम यूजर पेमेंट बैंक का यूज करते हैं, इस ऐप के तहत उन्हें 24/7 का सपोर्ट मिलेगा। इस ऐप को लॉन्च करते हुए पेटीएम ने दावा किया कि करोड़ों भारतीय को आर्थिक रूप से मुख्यधारा में लाने का यह प्रयास है कि लोकसभा निर्वाचन को लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी की तैयारी जोरों पर है। शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव को लेकर कलेक्टर तथा मॉनिटरिंग की जा रही है। इसी के तहत निर्वाचन व्यय मॉनिटरिंग को लेकर बैंकर्स को हिदायत दी गई है कि बैठक में बैंकर्स को बताया गया कि पिछले 2 महीने में जमा या निकासी का कोई उदाहरण हुए बिना निर्वाचन के दौरान 1 लाख से अधिक, दोस्तों 1 लाख से अधिक की असामान्य एवं संदेशजनक राशि की निकासी या बैंक खाते में डाले जाने पर उसकी सूचना बैंकर्स द्वारा निर्वाचन अधिकारी को दी जाएगी। इसके लिए हर खाते पर रखी जाएगी पैनी नज़र। अगली एक महत्वपूर्ण खबर, बेरोजगार युवाओं के लिए यह कि एक ग्लोबल रियल एस्टेट कंसल्टेंसी कंपनी ब्रोकरेज के कारोबार में कदम रखने जा रही है। इसके लिए वह देश भर में 3000 लोगों की नियुक्ति करने का योजना बनाई है। इसके लिए वह भारत में कारोबार बढ़ाने के इरादे से इस साल 3000 कर्मचारियों की नियुक्ति करेगी। कंपनी के क्षेत्रीय प्रमुख अंशुमन मैगजीन ने यह बात स्पष्ट की है। दोस्तों अगली बड़ी खबर, आपके आधार कार्ड का कहीं कोई गलत इस्तेमाल तो नहीं कर रहा है, ये आप कैसे जानेंगे? इसका पता इस तरह लगाएं, आपके आधार कार्ड से जुड़ी जानकारी हासिल करने या अब तक हुए इसके इस्तेमाल की जानकारी का पता लगाने के लिए आपको करना होगा UIDAI की आधिकारिक वेबसाइट UIDAI.government.in को गूगल पर सर्च करना होगा। इससे आपको यह जानकारी मिल जाएगी कि आप अपने आधार कार्ड कहां कहां इस्तेमाल किए हैं। अगली बड़ी खबर, नए युवाओं के लिए, दोस्तों सार्वजनिक स्थल पर पबजी गेम खेलने के आरोप में
पुलिस ने 10 छात्रों को गिरफ्तार किया है। यह मामला गुजरात के राजकोट कॉलेज का है। हालांकि पुलिस ने छात्रों को बाद में बेल पर छोड़ दिया है। गुजरात पुलिस ही नहीं बल्कि पूरे देश ने 5 दिन पहले पबजी ऑनलाइन गेम को बंद करने का नोटिस जारी की है। अगली बड़ी खबर, 1 अप्रैल से नए नियम लागू होने के बाद बैंक तथा पोस्ट ऑफिस में FD करने वालों के लिए खुशखबरी है। खुशखबरी ये है कि अगर आप 5 लाख तक की FD करते हैं और उस पर 8% की दर से ब्याज मिलती है तो अब इस पर TDS नहीं काटा जाएगा। दोस्तों अगली बड़ी खबर, दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला, दिल्ली में LPG गैस एजेंसी खोलने का खुला मौका मिला है। कंपनी एजेंसी खोलने के लिए सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं लेने का ऐलान किया है। अब केवल गोदाम, डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर और ऑफिस के लिए जमीन की जरूरत होगी। अब केवल गैस सिलेंडर की डिलीवरी तथा डीलरशिप स्टोर पर ही इन्वेस्टमेंट करना होगा, यानी रजिस्ट्रेशन से लेकर डीलरशिप डिस्ट्रीब्यूशन तक के लिए डिपॉजिट नहीं जमा करना होगा। इससे आप निवेश कर अपनी कमाई को बढ़ा सकते हैं। अगली बड़ी खबर, जियो ग्राहकों के लिए दोस्तों जियो होली का बड़ा तोहफा, 3 महीना तक फ्री में मिलेगा 90 GB से ज़्यादा डाटा। तो ज़्यादा डाटा का लाभ उठाएं, जियो रिचार्ज करें और खूब इंटरनेट चलाएं। मुझे उम्मीद है फटाफट खबरें सुनकर आप सबको अच्छा लगा होगा। ये ताज़ा ताज़ा खबरें अपने दोस्तों तक भी पहुँचाएँ, शेयर करके लाइक करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों अगर आप यह वीडियो फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। अगर आप ये वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर कोई अगली खबर के साथ। बने रहें अपना लाइव.न्यूज़ के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।